नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 10 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 208 रिक्तियों के लिए निकाले भर्ती अधिसूचना। नगर निकाय चुनाव के तारीखों की हुई घोषणा। पिंडदानियों को पितृपक्ष मेले के दौरान मिल रही ये तमाम सुविधाएं। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग के बाद बढ़ाई 67वीं पीटी परीक्षा की तिथि। विराट के शतकीय पारी को लेकर सहवाग ने दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 208 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 208 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बीई या बीटेक या बीएससी, एमई या एमटेक या एमएससी या इंटीग्रेटेड एमटेक विद फर्स्ट क्लास पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर जरूर चेक करें। पिंडदानियों को पितृपक्ष मेले के दौरान मिल रही है ये तमाम सुविधाएं। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ हो चुका है। 10 सितंबर यानी आज शनिवार से पितृपक्ष का महीना शुरू होकर श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलेगा। इस राज्य के मेले में देश विदेश से आने वाले पिंडदानियों के स्वागत में विष्णु नगरी में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बताते चले कि पिंडदान के लिए गया पहुंचने वाले पिंडदानी के लिए गया जिला प्रशासन की ओर से और गयापाल पंडा समाज की ओर से धर्मशाला, होटल, निजी आवास की व्यवस्था किया गया है। इस बार प्रशासन द्वारा शहर के गांधी मैदान में 2 और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी में 1000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के साथ साथ हर जरूरी सुविधा का बंदोबस्त किया गया है। 17 दिन चलने वाले इस पितृपक्ष मेले के दौरान शहर में 2400 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए 6 पावर स्टेशन तैयार किए गए हैं। गया में पिंड वेदियों तक पहुंचने के लिए पिंडदानियों के लिए मुफ्त में ई रिक्शा का बंदोबस्त किया गया है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष मेले का समापन 25 सितंबर को होगा। नगर निकाय चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। कयासों का दौर खत्म हुआ और आखिरकार बीते दिन नगर निकाय के चुनाव के तारीखों का घोषणा कर दिया गया। बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने चुनाव के तारीखों की घोषणा की करते हुए 10 अक्टूबर को बिहार के 156 नगर पालिका क्षेत्र में मतदान कराने का ऐलान किया है, जहाँ पहले चरण का नामांकन 10 सितंबर से 19 सितंबर, इसमें 37 जिलों में मतदान होगा और मतगणना 12 अक्टूबर को किया जाएगा। दूसरे चरण का नामांकन 16 अक्टूबर को होगा, जहां मतदान 20 और मतगणना 22 अक्टूबर को होगी। आपको बताते चले कि इस बार 21 नवगठित नगर पालिका में भी चुनाव होंगे। पटना में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के तहत दानापुर, खगौल, मसौढ़ी, संपतचक, मोकामा, फुलवारी शरीफ, पटना, बख्तियारपुर, बेहटा, बाढ़, पालीगंज, फतुहा और पुनपुन में पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होंगे। वहीं पटना नगर निगम में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मांग के बाद बढ़ाई 67वीं पीटी परीक्षा की तिथि। बीपीएससी 67वीं परीक्षा की तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी के बाद अब आयोग ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार 30 सितंबर को एक ही दिन और एक ही पाली में लेने की घोषणा की है। मालूम हो कि इससे पहले यह परीक्षा 21 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन यूपीएससी मेंस परीक्षा देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को होने की वजह से विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए इस तिथि को अभ्यर्थियों की मांग के बाद बढ़ा दी गई है। पटना ताड़ा मंडल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है राजधानी पटना का ताड़ा मंडल। पटना ताड़ा मंडल राजधानी पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। यह ताड़ा मंडल प्लेनेटोरियम बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से 11 करोड़ की कुल लागत पर बनाया गया था। 1 अप्रैल 1993 में इसे जनता के लिए खोला गया। ताड़ा मंडल में लगभग 2 दशक
से चल रहे स्काई थिएटर शो को और आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है। तारामंडल सेल्यूलॉयड फिल्म के पारंपरिक ऑप्टो मैकेनिकल प्रक्षेपण का उपयोग करता है। यह बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तारामंडल में खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों पर नियमित फिल्म शो है। इसमें प्रदर्शनी भी होती है जो आगंतुकों को आकर्षित करता है। बिहार पुलिस ने 8 महीने में हजारों की संख्या में गिरफ्तारी का बनाया रिकॉर्ड। बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत इस साल बीते 7 महीनों में बिहार पुलिस ने 41,983 गिरफ्तारी की है। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार 24वें स्थान पर है। बिहार में अपराध की दर 1 लाख आबादी पर 228 है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार 26वें स्थान पर है। पॉक्सो एक्ट के मामले में कमी आई है। बीते दिन एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध की गतिविधियां कम हुई हैं। राज्य में आरोपियों की गिरफ्तारी में भी तेजी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य में अपराधों का प्रतिवेदन स्वाभाविक है, लेकिन बिहार पुलिस उन अपराधों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी उतनी ही गंभीरता से क्रियाशील है। बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए ग्रामीण स्तर पर चलाया जाएगा अभियान। बाल श्रम जैसी व्यापक समस्या के निवारण के लिए सरकार बीते कई वर्षों से अथक प्रयास कर रही है। बाल श्रम करवाने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी इसकी जड़ें आज भी हमारे समाज को जकड़ी हुई है। इस बीच राज्य सरकार बाल श्रम को खत्म करने के लिए एक बार फिर से 30 सितंबर के बाद गाँव स्तर पर विशेष अभियान चलाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण व श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भी भेजना शुरू कर दिया है। वहीं इस अभियान में जीविका दीदी सहित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी सहयोग लेने के लिए कहा गया है। इस अभियान में अभिभावकों की काउंसलिंग के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा नए उद्योग स्थापित करने एवं स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। एसके सिंघल ने भी बुके की जगह की किताब देने की पहल। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच बीते दिन डीजीपी एसके सिंघल समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के पदाधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। इस दौरान परिसदन में पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले डीजीपी के स्वागत में खड़े डीएम और एसपी बुके लेकर पहुंचे, जहां पर डीजीपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पहल बुके के बदले किताब देने की पहल को आगे बढ़ाते हुए बुके लेने से मना कर दिया और उन्होंने किताब देने को कहा। एसके सिंघल ने डीएम और एसपी से कहा, देखो भैया बुके नहीं मेरी किताब ला दो। ईडी ने पूर्व रेलवे के अधिकारी का जमीन किया जब्त। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते दिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने अवकाश प्राप्त रेलवे अधिकारी चंदेश्वर प्रसाद यादव के धमौन स्थित 46.5 डिसमिल की जमीन पर कब्जा किया है। जमीन जब्त करने के बाद बीते दिन दोपहर के ईडी की टीम ने बताया कि चंदेश्वर प्रसाद यादव पर 3,44,00,000 की आय से अधिक अवैध संपत्ति का मामला है। वहीं सेवा में रहने के दौरान इन पर स्क्रैप चोरी तथा उसके घोटाले का मामला भी दर्ज है। इस मामले में चंदेश्वर प्रसाद अभी जेल में है। बिहार के थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की तादाद बढ़ रही है, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल गृह विभाग की ओर से थानों में महिला पुलिस कर्मियों का विस्तृत डेटा मांगा गया था, जिसमें खुलासा हुआ है कि बिहार के 1000 से अधिक थानों में करीब 21% महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। राज्य में 51 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां महिला थानेदार हैं। इनमें 7 इंस्पेक्टर रैंक जबकि 44 एसआई यानी दारोगा रैंक की महिला थानाध्यक्ष हैं। यही नहीं, कुल 45% महिला दारोगा की थानों में प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं थानों में तैनात महिला सिपाही का प्रतिशत 30.73 है। 2 दिनों के बाद ही प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। प्रदेश में मेहरबान मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बिहार में अगले 2 दिन बारिश की छिटपुट स्थिति रहेगी। ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। वहीं 2 दिनों के बाद राज्य में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अभी मॉनसून ट्रफ जैसलमेर, भोपाल, गोंदिया, कलिंगापट्टनम होते हुए पश्चिम बंगाल में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य भर में आंशिक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। वहीं 12 सितंबर को 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में जमुई, भागलपुर और बांका शामिल है।
छात्र के एडमिट कार्ड पर राज्यपाल का फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। विश्वविद्यालय की तरफ से आए दिन गड़बड़ी देखने को मिल रही है। हाल ही में एक विश्वविद्यालय द्वारा हजारों विद्यार्थियों को ट्रांसजेंडर करार दे दिया गया था और अब एक मामला LNMU यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर बिहार के गवर्नर का फोटो यानी फागू चौहान का फोटो लगाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान का फोटो इस एडमिट कार्ड पर लगा हुआ है, जिसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस विद्यार्थी का यह एडमिट कार्ड है वह BT कॉलेज बेगूसराय का छात्र है। उसके एडमिट कार्ड में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर लगी है। जब इस बात की खबर छात्रों को हुई तब विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। मामला अब तूल पकड़ने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा किशोर किशोरियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बीते दिन यूनिसेफ की बिहार प्रमुख नफीसा बिनते शफीक ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उनकी नई भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी और दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के 75 वर्षों के समर्पित कार्य पर प्रकाश डालते हुए एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन समेत बाल मृत्यु दर और रुग्णता को रोकने के लिए एक व्यापक और एकीकृत समुदाय आधारित कार्यक्रम शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के बच्चों को और किशोर किशोरियों के अधिकारों और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इन अधिकारियों पर DIG शिवदीप लांडे ने लिया एक्शन। DIG शिवदीप लांडे ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया है। दरअसल इन अधिकारियों को बार बालाओं के साथ डांस करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद DIG ने एक्शन लिया और इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। शिवदीप लांडे ने मीडिया को बताया कि बार बालाओं के साथ तत्कालीन थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद का डांस करते वीडियो वायरल हुआ था। उनको निलंबित कर भागी कार्रवाई की गई। साक्ष्य संकलित करने के बाद पाया गया कि वायरल वीडियो सही है, जिसके बाद उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई। BJP नेतृत्व ने की बिहार में प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति। बिहार में भाजपा के मिशन को रफ्तार देने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार भाजपा के प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ अब भाजपा प्रभारी का कमान विनोद तावड़े को सौंपी गई है, जबकि हरीश द्विवेदी सह प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि भाजपा ने 15 राज्यों में अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। मालूम हो कि भूपेंद्र यादव के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही बिहार BJP प्रभारी का पद खाली था। ममता बनर्जी के खेला होबे वाले बयान पर सुशील मोदी का पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने वाले मुहिम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने एक बड़े मंच से भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ममता बनर्जी ने खेला होबे वाले नारे को एक बार फिर से बुलंद किया है। इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हर कोई दावेदारी कर रहा है। राहुल जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अलग यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश जी राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। ये सभी लोग मिल जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर ने बताई क्या है नीतीश और लालू राज में समानता। देश के बड़े रणनीतिकारों में से एक जिन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाई हैं, वो प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। इस दौरान बीते दिन उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार खासतौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बताया कि लालू राज और नीतीश राज में क्या समानता है। दरअसल बीते दिन प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान को आगे बढ़ाते हुए कटिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और लालू राज में कोई अंतर नहीं है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू राज में अपराधियों का बोलबाला था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का बोलबाला है। विजय कुमार सिन्हा का दावा, लालू यादव जल्द ही बिहार में खुद सरकार चलाएंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि लालू प्रसाद यादव नामक रिमोट से बिहार सरकार चला रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव बड़े भाई की भूमिका में है और छोटे भाई नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं। लालू जब चाहते हैं नीतीश कुमार को साथ रखते हैं, जब चाहते हैं देश भ्रमण पर देते हैं। यही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू यादव बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे और बिहार में खुद सरकार चलाएंगे।
भाजपा के मिशन बिहार का रथ रोकने के लिए जदयू ने कसी कमर। भाजपा के मिशन बिहार का रथ रोकने के लिए जदयू ने अपनी योजना बना ली है। इसके लिए जदयू बूथ स्तर पर काम कर रही है। वहीं इसके लिए जिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दरअसल बीते दिन जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की भविष्य की तैयारियों के लिए जदयू के सभी बड़े नेताओं को अहम जिम्मेवारी मिली है। उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार और संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन होगा। अगले महीने सभी जिलों में जिला सम्मेलन होगा। इसमें बूथ स्तर पार्टी को मजबूत करने और अपने संगठन को विस्तार करने की योजना पर मंथन होगा। हर पदाधिकारी को इसके लिए विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं नीतीश कुमार द्वारा विपक्ष को एकजुट करने के मिशन में ममता बनर्जी के साथ मिलने पर उन्होंने खुशी जताई है। विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं मुकेश सहनी। बिहार में सियासी उठापटक के बीच मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। बीते दिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार में विधानसभा के तीन सीटों गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी तीन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही कुढ़नी में 14 सितंबर को एक सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन तीन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां वीआईपी मजबूत स्थिति में है। सीबीएसई 10th कंपार्टमेंट रिजल्ट घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने क्लास 10th कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2022 की घोषणा बीते दिन कर दी है। रिजल्ट का लिंक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbserizults.nic.in पर जारी कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्लास 10th कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 का संचालन 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2022 तक किया था। इस साल यानी सीबीएसई 10वीं 2022 में 94.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे। बोर्ड ने सीबीएसई 10th रिजल्ट 2022 की घोषणा 22 जुलाई को की थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 को हुआ था। हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 1890 को हुआ था। राष्ट्रवादी हिंदी सेवी और आर्य समाजी भवानी दयाल सन्यासी का जन्म 1892 को हुआ था। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका चित्रा मुद्गल का जन्म 1944 को हुआ था। भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का जन्म 1972 में हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी जितेंद्रनाथ मुखर्जी का निधन 1915 को हुआ था। विजेता भारतीय सैनिक परमवीर चक्र सम्मानित होशियार सिंह दहिया का निधन 1965 को हुआ था। विराट के शतकीय पारी को लेकर सहवाग का बड़ा बयान। एशिया कप 2022 के सुपर फोर मुकाबले में विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए अपने शतक का सूखा खत्म किया। विराट ने करीब 3 सालों के बाद अपना एक खतरनाक शतक पूरा किया। उन्होंने नवंबर 2019 में अपना आखिरी शतक लगाया था। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ विराट के इस सेंचुरी की चर्चा दुनिया भर में है। अपने फॉर्म से जूझ रहे विराट को तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने इस पर बधाई भी दी। फैंस भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को उम्मीद है कि वह सचिन तेंदुलकर के शतकों के शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे। सहवाग ने कहा कि तो अब जो ये सिलसिला शुरू हो गया है तो यह अब 100 पर जाकर रुके, बीच में ना रुके। 71 से जो उनका अगला पड़ाव हो वह सीधे 100 पड़ाव कर रुके, फिर दोबारा देखेंगे कि 101वां शतक कब होता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे वाईफाई नेटवर्क के तहत लगने वाले टावर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोबाइल वाईफाई नेटवर्क के तहत लगाए जाने वाले टावर के बारे में। दरअसल पीआईबी द्वारा किए गए ट्वीट में बताया गया है कि एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया मोबाइल वाईफाई नेटवर्क के तहत टावर लगा रही है, जिसके आवेदन शुल्क के रूप में 740 रुपये जमा करने होंगे। पीआईबी के मुताबिक यह दावा फर्जी है। यह पत्र भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है, यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप फेसबुक के फीचर्स के साथ साथ इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में फेसबुक एक और फीचर लेकर आया है। दरअसल आपका जन्मदिन होने पर फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके जन्मदिन के बारे में जाने तो फेसबुक आपको इसे हाइड करने की सुविधा देता है। हम और आप में से कई लोग इसे जानते होंगे, वहीं जिन्हें नहीं पता है उन्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लें। इसके बाद अपने प्रोफाइल में जाएं, यहाँ अबाउट सेक्शन में जाएं, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ राइट साइड में आपको प्राइवेसी के लिए एक आइकॉन दिखेगा, इसमें ओनली मी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब आपके जन्मदिन का नोटिफिकेशन आपके दोस्तों के पास नहीं जाएगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत सिंह, सुमित कुमार पांडे, बाबूलाल मरांडी, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार सिंह, रुपेश कुमार राज, शंकर मुखिया, तिवारी नितेश, पवन सिंह, श्याम नंदन चौधरी, घनश्याम चौधरी और मनोज राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।